जी नमस्कार, मेरा नाम हिरेन है और आज मैं कुछ पेश करने आया हूँ कि तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब लिखने लगा हूँ, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब लिखने लगा हूँ, हकीकत छोड़ फरेबी ख्वाब लिखने लगा हूँ, हकीकत छोड़ फरेबी ख्वाब लिखने लगा हूँ। बेशक मोहब्बत है तुमसे मेरी जान, बेशक मोहब्बत है तुमसे मेरी जान, फिर भी छोटी छोटी बातों पर फरियाद लिखने लगा हूँ। और आगे है कि एक ने पूछा तुम इतना हंसते क्यों हो, तो ना जाने इस हंसी के पीछे कितना गम छुपा हुआ है, ना जाने इस हंसी के पीछे कितना गम छुपा हुआ है। सब कुछ तो तुम जानते हो मेरे बारे में, सब कुछ तुम जानते हो मेरे बारे में, अब छुपाने को भी बहुत कम छुपा हुआ है। जी शुक्रिया शुक्रिया। आगे सुनिए कि अभी बोला जैसे चाय पे, तो चाय के लिए एक है कि तुम्हें किसी और के हाथों में देख काश मुझे महसूस ये रश्क ना होता जलन, काश तुम्हें किसी और के हाथों में देख मुझे महसूस ये रश्क ना होता, तुम्हें कब का भुला देता अपनी जिंदगी से मेरी चाय, अगर कम तुमसे ये इश्क ना होता। शुक्रिया। एक है कि हमेशा हंसते चेहरे को मैंने नाराज होते देख लिया, हमेशा हंसते चेहरे को मैंने नाराज होते देख लिया, चांद से नूर वाली आंखों में मैंने आंसुओं को आबाद होते देख लिया, कैसे भुला पाता मैं वो दर्दनाक नज़ारा, ख्याल सुनिएगा, कैसे भुला पाता मैं वो दर्दनाक नज़ारा, मानो मैंने मेरे मौला को इश्क में बर्बाद होते देख लिया। जी शुक्रिया। अब है कि तेरी तस्वीर ना देखूं तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता, तेरी तस्वीर ना देखूं तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता, दिन भर काम करने का वो जुनून नहीं मिलता, दिन भर काम करने का वो जुनून नहीं मिलता, इस तरह डूबा हूँ मोहब्बत के गम में, कुछ इस तरह डूबा हूँ मोहब्बत के गम में कि काटो मेरा हाथ तब रगों में खून नहीं मिलता। शुक्रिया शुक्रिया। आगे है कि आशिकी कभी अपना लिबास नहीं बदलती, दरिया चाहे कोई भी हो चाहत की प्यास नहीं बदलती, दरिया चाहे कोई भी हो चाहत की प्यास नहीं बदलती, मोहब्बत करनी है तो सच्चे दिल से करो, मोहब्बत करनी है सच्चे दिल से करो, क्योंकि बेवफाई कभी इतिहास नहीं बदलता। जी शुक्रिया। कुछ मेरे सवालात हैं कि गम का जाम पीकर भी कोई इतना सोता है क्या, गम का जाम पीकर भी कोई इतना सोता है क्या, आंखें सूजकर लाल हो गई है इश्क में कोई इस हद तक भी रोता है क्या, और अपना कोई खास दूर चला जाए तब ये दिल थोड़ा टूटा महसूस होता है क्या, और अब पूछ लेता हूँ अपना आखिरी सवाल, पूछ लेता हूँ अपना आखिरी सवाल कि अपना ये दिल किसी और को देने के बाद वो वापस अपना होता है क्या। जी शुक्रिया। अभी जैसे मैम को बोले थे, नेहा मैम को, कि चांद खिलाए चांद खिलाए, तो वो उनकी हंसी बहुत प्यारी, उनके ऊपर एक पढ़ देता हूँ, पिछले इवेंट में भी मैंने पढ़ा था कि तुमसे मिलाई एक नज़र लिखूँ या खूबसूरत नज़ारा लिखूँ, तुमसे मिलाई एक नज़र लिखूँ या पूरा खूबसूरत नज़ारा लिखूँ, हर पल गीत गज़लों का पिटारा लिखूँ, हर पल तुम्हारी याद में गीत गज़लों का पिटारा लिखूँ, बहुत कुछ लिखना है तुमसे हुई इस एक मुलाकात में, बहुत कुछ लिखना है तुमसे हुई इस एक मुलाकात में, कहो तो खुद को ईद का चांद तुम्हें एक चमकता सितारा लिखूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।